मऊ जिले में देवाश्रम संस्थान द्वारा लगातार कई वर्षों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस क्रम में शनिवार को संस्थान ने दो शवों को एक साथ अंतिम संस्कार किया, साथ ही जय शिव और जय शव के नारे लगाए। इस दौरान एक बात गौर करने वाली यह रही कि हिंदू रीति रिवाज में संस्थान का एक मुस्लिम सदस्य भी कंधे से कंधा मिलाकर शामिल रहता है। इसी के साथ संस्थान के संस्थापक की पत्नी भी शवों के दाह संस्कार कार्यक्रम में मौजूद रहती है। आपको बताते चले कि जिले के फार्मासिस्ट डॉक्टर पीएन राय के द्वारा कुछ साल पहले लावारी शवों के दाह संस्कार का बीड़ा उठाया गया था। इस नेक काम को जिले के गणमान्य लोगों ने हाथों हाथ लिया। इसके बाद लावारी शवों के अंतिम संस्कार का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ वह आज तक चल रहा है। हर समुदाय के लोग इसमें सहयोग और प्रशंसा करते हैं, जिसके बाद प्रतिवर्ष लगभग 80 से 90 लावारिस शवों का दाह संस्कार किया जाता है। वहीं मुस्लिम समुदाय का लावारिस शव जब संस्थान को मिलता है तो उनके धर्म के अनुसार कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। वहीं संस्थान की बात करें तो एक गौर करने वाली बात यह है कि एक सदस्य जो कि मुस्लिम समुदाय से है वो भी शवों के दाह संस्कार में लगा रहता है। वहीं संस्थान के संस्थापक की पत्नी भी शवों के दाह संस्कार में शामिल होती है। इतना ही नहीं, जब एक साथ दो शवों के दाह संस्कार की बात आती है तो उनकी पत्नी शव यात्रा में शामिल होने के साथ ही शवों को मुखाग्नि देने का काम भी करती हैं। हम लोग को बहुत खुशी होती है कि कोई हम लोग दान पुण्य का काम करते हैं, जो हमसे हो सकता है वो करते हैं। और हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जो भी हम लोग के बड़े नसीब के हैं कि जो ऐसा काम हम लोग को मिलता है। कोई बात नहीं, ये तो हमारा धर्म और इससे कोई मतलब नहीं, ये तो हमारा इंसानी फर्ज है जो कि हमको करना ज़रूरी है। अभी तक कितना आपने करा? अब जब से ये संस्था चल रही है हम लोग कर ही रहे हैं, इसमें शामिल हैं। अरे 3-4 साल तो हो ही गया होगा लगभग। किसी के कहने से हमको क्या लेना है, हमको अपना जो है हमको जो अपना करना है वो हमको करना है। हमारे धर्म में भी कोई रुकावट नहीं है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं जी। ये देवाश्रम संस्था है जो लावारिस शवों को उनके धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार करती है। लावारिस हिंदू शवों को हम लोग श्मशान ले आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दो लावारिस शव, एक धोरीघाट थाने से जो JRP थाने से प्राप्त हुआ था हम लोगों का, और वो लावारिस शवों को हम लोगों ने भी मुखाग्नि दिया है। ये पूरी टीम हमारी पीछे खड़ी है देवाश्रम की। ये संस्था कोई सरकारी धन निधि से नहीं चलती है। जब कोई लावारिस शव हम लोग को प्राप्त होते हैं तब हम लोग दानदाता खोजना शुरू करते हैं, क्योंकि लावारिस शव पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे लाश घर में रखा रहता है, हम लोग के पास पर्याप्त टाइम रहता है। आज ये जो दोनों शव जल रहे हैं ये मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय मऊ में कार्यरत श्री धर्मेश राय जी के शव जलने से दोनों लाशों का आर्थिक बोझ उन्होंने उठाया, बाकी पूरी टीम हमारी लगी हुई है। करीब 6-7 साल से हम लोग काम को कर रहे हैं। किस साल 80 लाख, किस साल 70, किस साल 90, किस साल 60, ऐसे करके लाशें प्राप्त हुई हिंदुओं की। और मुस्लिम कम्युनिटी की हम लोग लगता है कि 10 या 12 लाशें प्रतिवर्ष होती हैं, जिनको हम लोग कब्रिस्तान में हमारी टीम ले जाकर पहुँचाती है और उनके धार्मिक तरीके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। वो जो फातिहा भी हम लोग साथ में पढ़ते हैं और वो जनाजे की नमाज अदा करते हैं। भी हमारे सामने इधर आइए, ये अब्दुल्ला जी हैं, ये हमारे साथ जय राम, राम नाम सत्य है और जय शिव जय शव का नारा ये बोलते हैं। और हिंदू कमेटी के हम लोग जाकर के वहाँ लावारिस मुस्लिम लाशों के साथ कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ते हैं और जनाजे की नमाज अदा करते हैं। एक साथ ये दोनों काम हम लोग लेकर के चलते हैं।